प्रिंस चार्ल्स इस वक्त शपथ ले रहे हैं, ब्रिटेन के 40वें सम्राट बने हैं किंग चार्ल्स III, और यहां पर ताजपोशी का ऐलान प्रिवी काउंसिल की तरफ से किया गया है। ब्रिटेन के नए सम्राट के तौर पर यहां पर ताजपोशी होगी। क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद किंग चार्ल्स III ब्रिटेन के सम्राट बन गए हैं। तो ये तस्वीरें सीधा आप लंदन से देख रहे हैं, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ताजपोशी का ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रिंस चार्ल्स जो कि ब्रिटेन के 40वें सम्राट यहां पर अब बन चुके हैं, उनकी पत्नी कमीला भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। तो ब्रिटेन के नए सम्राट की ताजपोशी यहां पर। May I now invite the deputation party and the witnesses to the oath to exit via the picture gallery and the matted hall. तो ताजपोशी का यहां पर कार्यक्रम प्रिवी की तरफ से ऐलान जिस बात का किया गया है, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में यहां पर सारी डॉक्यूमेंटेशन की जा रही है ब्रिटेन के 40वें सम्राट किंग चार्ल्स III के लिए, और तमाम जो लोग वहां पर मौजूद हैं इस बात के गवाह बन रहे हैं। प्रिंस चार्ल्स अपनी पत्नी कमीला के साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद यहां पर ये पदभार किंग चार्ल्स अब संभालेंगे ब्रिटेन के सम्राट के तौर पर। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, ताजपोशी यहां पर होगी प्रिंस चार्ल्स की, ब्रिटेन के 40वें सम्राट को बनेंगे, और ताजपोशी का ऐलान यहां पर प्रिवी काउंसिल की तरफ से किया गया है। तो प्रिंस चार्ल्स, उनकी पत्नी कमीला और उनके बेटे हैट यहां पर इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। ब्रिटेन के 40वें सम्राट के तौर पर यहां पर ताजपोशी का ऐलान प्रिवी काउंसिल की तरफ से किया गया है। लंदन से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और दस्तखत यहां पर किए जा रहे हैं इस को प्रमाणित करने के लिए। किंग चार्ल्स III जो कि आप ब्रिटेन के सम्राट बन गए हैं, क्वीन एलिजाबेथ की जगह बोलेंगे बड़े बेटे हैं, और सीधे क्राउन जो क्वीन एलिजाबेथ के बाद जाना था वो किंग चार्ल्स के पास ही जाना था। बता दें कि प्रिंस चार्ल्स इस वक्त प्रिवी काउंसिल की तरफ से सम्राट यहां पर जो प्रोसेस होता है पूरा उसके तहत यहां पर मौजूद हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट के तौर पर ताजपोशी उनकी हो रही है। किंग चार्ल्स III इस वक्त ब्रिटेन के सम्राट बनाए जा रहे हैं। बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ था, जिसके बाद जो ताज है, जो सम्राट ताजपोशी है, वो अब किंग चार्ल्स के पास आ गई है। देखिए क्वीन एलिजाबेथ II जो कि नहीं रही है, 10 दिन का राष्ट्रीय शोक इस वक्त ब्रिटेन में है, और स्कॉटलैंड की संसद को सस्पेंड कर दिया गया है, और इस बीच जो ताजपोशी है वो हो रही है, जो क्वीन एलिजाबेथ का II का ताज है वो सीधे अब जा रहा है उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स को, और किंग चार्ल्स यहां पर III ब्रिटेन के सम्राट अब बन गए हैं। बता दें 96 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ II का गुरुवार को निधन हुआ था। ब्रिटेन की महारानी सबसे लंबा एलिजाबेथ का ये सफर रहा था। 1952 में अपने पिता जॉर्ज VII की मौत के बाद वो महारानी बनी थी, और उस दौरान 25 साल की उनकी उम्र रही थी, और आज उनके बेटे उनका ये ताज अब संभाल रहे हैं ब्रिटेन के नए सम्राट के तौर पर। और
किस तरीके से अब यहाँ पर कार्यकाल रहेगा उनका, क्या क्या भूमिकाएं होंगी, किस तरीके से ये सब चीजें जो आगे बढ़ेंगी उसी को देखते हुए यहाँ पर तमाम जो सदस्य होते हैं उस काउंसिल के, प्रिवी काउंसिल के, वो दस्तखत कर रहे हैं और प्रिंस उनके बड़े बेटे भी इस दौरान यहां पर मौजूद हैं। किंग चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन के सम्राट बन चुके हैं और तमाम ये प्रिवी काउंसिल के मेंबर्स हैं जो कि इस वक्त दस्तखत करते आपको नजर आ जा रहे हैं। लंदन में इस वक्त सेंट जेम्स पैलेस में इस ताजपोशी को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम जो प्रोटोकॉल होते हैं उसको फॉलो यहां पर किया जा रहा है प्रिवी काउंसिल की तरफ से। बताते कि ब्रिटिश शाही परिवार में किंग चार्ल्स के बाद प्रिंस विलियम्स अब राजगद्दी के उत्तराधिकारी हैं, उनके बड़े बेटे हैं। बता दें कि स्वतः ही प्रिंस ऑफ वेल्स वो नहीं बन जाएंगे, हालांकि उन्हें तुरंत अपने पिता का खिताब ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल मिल जाएगा जो कि अब तक किंग चार्ल्स के पास था। उनकी पत्नी केट मिडिल्टन को अब डचेस ऑफ कॉर्नवेल के रूप में जाना जाएगा। तो वहीं चार्ल्स की पत्नी कमीला को अब नया खिताब दिया जाएगा, उनका पूरा टाइटल अब क्वीन कॉन्सोर्ट में होगा। सम्राट की बेटर हाफ के लिए यानी कि कमीला के लिए इसी खिताब का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। और इसके अलावा बता दें कि ब्रिटेन के नए राजा चार्ल्स थर्ड अपनी मां महारानी एलिजाबेथ सेकेंड के बाद अपने पहले राष्ट्रीय संबोधन में उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे और मेरे पूरे परिवार के लिए एक प्रेरणा और उदाहरण के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महामहिम महारानी मेरी प्यारी मां, हम उनके लिए सबसे ज्यादा कर्जदार हैं जो किसी भी परिवार का अपनी मां के लिए हो सकता है। अपने इस पहले संबोधन में उन्होंने देश की आजीवन सेवा की शपथ भी ली। तो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी यहां पर आप देख पा रहे हैं ब्रिटेन के, और तमाम ये मेंबर्स हैं प्रिवी काउंसिल के जो कि इस वक्त इस पैलेस में मौजूद हैं और यहां पर सिग्नेचर सभी की तरफ से किया जा रहा है। किंग चार्ल्स थ्री जो कि ब्रिटेन के सम्राट है यहां पर बन चुके हैं लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, यहां पर उनकी ताजपोशी हो रही है और उसी के तहत यहां पर यह कार्यक्रम रखा गया है। बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जब जो नई प्रधानमंत्री है लिज ट्रस आखिरी मुलाकात उनसे भी की थी, उसके बाद अचानक खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रही हैं। और इस दौरान बता दें कि अब जो शोक यहां पर घोषित किया गया है 10 दिनों का, उस बीच यहां पर किंग चार्ल्स थर्ड बतौर सम्राट के तौर पर यहां पर उनकी ताजपोशी हो रही है। प्रिवी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं और सभी यहां पर दस्तखत करते नजर आ रहे हैं।